लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग की नजर अब मीडिया पर है। राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए 52 सदस्यीय एक टीम गठित की है, जिसमें जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेब पोर्टल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निगरानी टीम के सदस्य और जनसंपर्क में पीआरओ मनोज खरे ने बताया कि चुनाव आयोग ने एमसीएमसी कमेटी गठित की है, जिसके तहत 52 सदस्यों की टीम 4 सत्रों में बैठकर चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर नजर रखती है। इसके अलावा अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों पर भी कमेटी की नजर रहती है। मनोज खरे ने बताया कि कमेटी प्रदेश स्तर पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और किसी भी प्रकार का मामला सामने आने पर इसकी सूचना अधिकारियों को दी जाती है, जिसके बाद आयोग उचित कार्रवाई करता है। न केवल मुख्य मतलब राज्य स्तर पर बल्कि प्रदेश के सारे जिला स्तरों पर हम लोगों ने एमसीएमसी कमेटी गठित की है और उसमें जनसंपर्क विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 52 अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर राज्य स्तर के सेंटर पे काम कर रहे हैं और 4 पारियों में हम लोग लगातार विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई भी ऐसी न्यूज़ जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो किसी भी राजनीतिक दल द्वारा, किसी प्रत्याशी के द्वारा, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उसकी तत्काल सूचना 24 घंटे हम निर्वाचन के पदाधिकारियों को ऊपर तक पहुँचाते हैं और ऐसी न्यूज़ पर भी निगाह रख रहे हैं जिसमें ये संभावना रखती है कि उसमें पैसे का लेन देन हुआ है या पैसा देके कोई न्यूज़ प्रसारित की जा रही है या पैसे के आधार पर किसी न्यूज़ चैनल द्वारा किसी प्रत्याशी पर का पक्षपात किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ हमारा एक जो ग्रुप है यहाँ पर वो जो प्रिंट मीडिया अखबार मैगजीन उसका भी परीक्षण करता है कि उसमें कोई ऐसी खबर तो नहीं छप रही है कि जिसमें पैसे का लेन देन हुआ हो या आचार संहिता का हुआ है। ये हमने पिछली बार विधानसभा चुनाव के बाद और मध्य प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य था जहां इस तरह की एमसीएमसी कमेटी गठित की गई। एमएसटीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।